आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकिता पटेल, कैंसर रोग के विशेषज्ञ एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी से आप सभी से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ तथ्यों के बारे में बताऊंगी। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो पूरे विश्व में महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है और इसका जो इंसिडेंस है वो भारत देश में भी काफी बढ़ रहा है हर साल। ब्रेस्ट कैंसर की एक अच्छी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर एक तरह का क्यूरेबल डिजीज है। अगर प्रॉपर समय पे इसका डिटेक्शन हो जाता है, इसका पूरा इलाज सही समय पे खत्म हो जाता है, तो काफी चांसेस होते हैं कि पेशेंट जो है वो बीमारी से फ्री हो सकता है। बट दुख की बात यह है कि हमारे पास काफी बार पेशेंट्स आते हैं जिसमें बीमारी स्टेज 4 में होती है, मतलब ब्रेस्ट से निकल के अलग अलग भाग में फैली हुई बीमारी होती है। तो बहुत जरूरी है कारणों को समझना, कैसे पहचाने और पहचानने के बाद करना क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं कारण के बारे में बताना चाहूंगी। फीमेल होना ही, स्त्री होना ही अपने आप में एक बड़ा कारण है ब्रेस्ट कैंसर का, लेकिन पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। 1% कैंसर जो है ब्रेस्ट कैंसर वो पुरुषों में होता है। इसके अलावा अगर मोटापा, अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई धूम्रपान का बहुत ज्यादा सेवन करता है, शराब का सेवन कर रहा है, तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर किसी भी कारण पास्ट में अगर रेडिएशन हुआ हो या चेस्ट पे रेडिएशन एक्सपोजर हुआ, जैसे कि लिम्फोमा ट्रीट किया जाता है बच्चों में या यंग फीमेल्स में, तो उसमें थोड़ा बहुत डोज जाता है, तो जिसके कारण फ्यूचर में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर फीमेल कोई है जिनका बच्चा नहीं है या जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई है, तो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोगों को डर लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होता है। जेनेटिक होता है, लेकिन सिर्फ 10-15% केसेस में ही। अगर कोई फीमेल है जिनकी मदर को कैंसर है या नानी को कैंसर है या मौसी को कैंसर है, तो इन केसेस में चांसेस होते हैं कि कैंसर जो है वो जेनेटिक है। उसके लिए बहुत अच्छे टेस्ट अब मार्केट में अवेलेबल है। अगर डॉक्टर को लगता है कि फैमिली ट्री में कैंसर इंसिडेंस ज्यादा है या ब्रेस्ट कैंसर फैमिलियर या जेनेटिक हो सकता है, तो डॉक्टर आपको वो टेस्ट रेकमेंड करते हैं और वो करा भी लेना चाहिए ताकि आगे के लिए प्रिवेंशन हो सके। ये तो हो गया कुछ कारण। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर ब्रेस्ट में किसी भी तरह का बदलाव आ रहा है, अपना नॉर्मल शरीर सबको पता होता है, हर फीमेल से यही गुजारिश है कि अपना एक तो अपने शरीर को अच्छे से समझे और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, खुद से अपना एग्जामिनेशन महीने में एक बार जरूर करें। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, या आप अपने सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट या किसी भी कैंसर रोगी विशेषज्ञ से मिलकर इसको सीख सकते हैं। इसका इंटेंट यही होता है कि अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाए, जब गांठ छोटा है तभी पता चले। तो हम आते हैं सिम्टम्स के ऊपर। अगर ब्रेस्ट में किसी भी तरह की गांठ है, ब्रेस्ट के अलावा अगर एक्सिला में, मतलब बगली में भी अगर किसी तरह की गांठ है, तो उसको इग्नोर ना करें। इसके अलावा अगर स्किन में, मतलब चमड़ी में किसी भी तरह का बदलाव हो रहा है, रेडनेस हो रहा है या किसी भी तरह का घाव बन रहा है या जैसे संतरे का छिलका होता है वैसा बदलाव आ रहा है, तो ये भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसके अलावा निपल से अगर किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है, खून जैसा आ रहा है, या फिर अगर ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसको इग्नोर ना करें। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर अगर शरीर में फैल जाता है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हड्डी टूट सकती है, हड्डी में दर्द हो सकता है या पेट में सूजन आ सकता है। तो ये सब ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं एडवांस स्टेज में। सपोज किसी को लगा कि हाँ गांठ है, तो अब क्या करना चाहिए? पहले तो घबराना नहीं चाहिए, दूसरी चीज डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसके बाद डॉक्टर जैसे बताए वैसे करना चाहिए। तो डॉक्टर नॉर्मली जब पेशेंट आते हैं तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके बाद मेमोग्राफी कराई जाती है, जो कि ब्रेस्ट का एक स्कैन होता है, जो कि एक्सरे द्वारा भी होता है, अल्ट्रासाउंड द्वारा भी होता है, और अब MRI द्वारा भी हो जाता है, वो अलग अलग इंडिकेशंस में होता है। उसके बाद बायोप्सी जो है सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है किसी भी कैंसर को कंफर्म करने के लिए। बायोप्सी में एक छोटा टुकड़ा लिया जाता है ब्रेस्ट से, जो कि जांचों के लिए जाता है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मिथ है कि लोहा लगेगा तो कैंसर बढ़ जाएगा, तो ये गलत है। बिना बायोप्सी के ट्रीटमेंट आगे बढ़ता नहीं है। हमारे पास पेशेंट काफी ऐसे आते हैं जो सिर्फ बायोप्सी को पोस्टपोन करते करते कि लोहा नहीं लगाना, डिजीज बढ़ा लेते हैं। तो ये चीज, ये जो गलत धारणा है उसको अपने मन से हटाइए। अगर डॉक्टर बोलते बायोप्सी तो उसको करा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक कैंसर कंफर्म नहीं होगा, इसकी वैरायटी नहीं पता चलेगी। ब्रेस्ट कैंसर में फिर हम ISC मार्कर्स करते हैं, जिससे ER, PR, HER2 स्टेटस पता चलता है और आगे ट्रीटमेंट का गाइडेंस मिलता है, वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो बायोप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। एक बार कैंसर कंफर्म होने के बाद ये देखा जाता है कि बीमारी फैली कितनी है, तो CT स्कैन के द्वारा भी हो सकता है, MRI स्कैन के द्वारा भी हो सकता है, PET CT के द्वारा भी हो सकता है,
डिपेंडिंग कि आप जहाँ पे हैं वहाँ क्या कौन सी मशीन अवेलेबल है, जांचें सबसे हो जाती हैं। तो एक बार जब हमारे पास बायोप्सी की इन्फॉर्मेशन, मार्कर्स और रिसेप्टर्स की इन्फॉर्मेशन और बीमारी फैली कितनी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो हम स्टेज बनाते हैं। स्टेज से ये पता चलता है कि बीमारी का आगे ट्रीटमेंट क्या होना है, प्रोग्नोसिस क्या होगी। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है ये एक तरह से मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट है, जिसमें आपको सर्जन के पास भी जाना पड़ेगा, आपको मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, आपको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी। काफी बार इलाज के बाद रिहैबिलिटेशन, जिसका कंसेप्ट अभी इंडिया में ज्यादा नहीं है, बट कुछ अच्छे सेंटर्स पर उसकी भी सुविधा अवेलेबल है, वो भी बहुत जरूरी होती है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के पूरे ट्रीटमेंट के बाद कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके शरीर में हो जाता है, तो उसको डील करने के लिए डिपार्टमेंट का रिहैबिलिटेशन, जिसमें कि आपको ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस मिलता है, हाथ में सूजन ना हो उसके लिए एक्सरसाइजेस, जो ग्लव्स होते हैं, बैंडेजेस होते हैं, कुछ मशीनें होती हैं जिससे आपके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं काफी हद तक। फॉलोअप बहुत जरूरी, एक बार ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो उसके बाद डॉक्टर आपको कुछ कुछ महीने के अंतराल पे, कुछ सालों तक, उसके बाद ये अंतराल जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे कि पहले साल में हो सकता है 3 से 4 महीने पे बुलाएं, उसके बाद दूसरे साल में 6 महीने पे बुलाएं, तो इस तरह से अंतराल बढ़ा बढ़ा के डॉक्टर आपको बुला के देखते रहते हैं। क्योंकि कैंसर ट्रीट होने के बाद भी हमेशा फॉलोअप जरूरी होता है, ताकि अगर कभी भी किसी भी कारण या अगर बीमारी वापिस आती है तो वो फिर से अर्ली स्टेज में ही पता चल जाए, ताकि उसका सही तरीके से इलाज हो सके। तो अंत में यही मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी अच्छा खाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने वेट पे कंट्रोल रखें, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर प्रैक्टिस करें, और अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है या आपको लगता है कि लंप है, तो क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम समझ सकते हैं कि काफी लोग शर्मा के नहीं बताते अपने फैमिली मेंबर्स को, बट उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे आपकी सिर्फ बीमारी बढ़ेगी। तो अगर किसी भी तरह का सिम्टम आता है तो अपने फैमिली मेंबर्स को बता के डॉक्टर के पास जरूर जाएं, और डॉक्टर जैसे आपका इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के लिए बोले उसको जरूर कराएं, क्योंकि ये एक तरीके से क्यूरेबल डिजीज है, लेकिन लेट होने की वजह से या लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी की वजह से बीमारी काफी बढ़ जाती है। धन्यवाद, नमस्कार।